एक बार फिर से तस्वीरें आपको एमएम कॉलेज की दिखाते हुए, और बताना चाहूँगा कि कल का विवाद जो है अभी तक जो है वो सुलझा नहीं है। लगता है जिस तरीके से बच्चे जो है एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं, और उन लोगों को मैं एक बार फिर से जानना चाहूँगा कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि कल जिस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, उसके बाद बच्चों द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया, और अब कहीं ना कहीं ये विरोध किया जा रहा है कि किसी निजी चैनल द्वारा, एक पत्रकार द्वारा जो है उसका इंटरव्यू भी लिया गया है, उसके विरोध में भी जो प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ छात्रों से बात करने का प्रयास करूँगा, क्या हो गया, इतनी पुलिस एक बार फिर से यहाँ पर तैनात कर दी गई, आखिरकार क्या हुआ, सुबह क्या हुआ? सर, वारदात देखी गई है, परसों हुई थी ये वारदात, उसको सिर्फ एमएम कॉलेज के होस्टल से रेस्टिकेट किया गया, अभी तक उसको कॉलेज से रेस्टिकेट नहीं किया गया। एक मछली तालाब को सारा गंदा कर देती है। आज एक देश विरोधी नारा लगा रहा है, कल को 10 उठेंगे देश विरोधी नारा लगाने के लिए। सिर्फ एक लड़का आइडेंटिफाई हो पाया अभी तक। एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी बात चल रही है, कंटिन्यूसली बात चल रही है, पुलिस प्रशासन हमारा साथ दे रहा है, उन्होंने 4 दिन का समय मांगा है, बिल्कुल समय हम उनको दे रहे हैं कि टाइम लगना चाहिए, क्योंकि ये एक लड़का नहीं है जिसने ऐसा काम किया है। 2017 में भी नारे लगे, 2019 में भी नारे लगे हैं, और अब वापस लगे हैं। आज ये लास्ट है जब हुआ है, उस लड़के को कॉलेज से रेस्टिकेट करना चाहिए, सबसे पहली मांग हमारी ये है। दूसरी बात, उस पर FIR लॉज होनी चाहिए, और तीसरी, ये तीनों जो ग्रुप है इसका, उसको भी पकड़ना चाहिए, क्योंकि आज एक है कल 10 उठेंगे। ये कहाँ का रहने वाला है छात्र, कौन से सेमेस्टर का है, कौन से स्ट्रीम में पढ़ाई कर रहा था? सर, जहाँ तक हमें पता चला अभी तक, ये 6th सेमेस्टर का छात्र है, और इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चल पाया, और आपको उसको पुलिस उठा के ले गई हुई है। जी, लेकिन ये जिस तरीके का तनाव का माहौल बना हुआ, पुलिस है कैंपस के अंदर है, बाहर है, बच्चों की पढ़ाई सफर हो रही है, इस तरीके का जो लोग जो देश के खिलाफ जाकर जो नारेबाजी करते हैं, कितना बड़ा आप थ्रेट मानते हैं कैंपस के अंदर, यहाँ स्टडी करते हैं, यही 6th सेमेस्टर का स्टूडेंट अगर इस मानसिकता के साथ पढ़ाई कर रहा है, तो आगे जाकर जब ये किसी जॉब प्रोफाइल में जाता, कहीं अच्छी प्रोफाइल में जाता, तो कितना बड़ा थ्रेट जो है जम्मू की इंडिया की सिक्योरिटी के साथ हो सकता था। बिल्कुल सर, यही वो है जो आगे जाके लोगों के साथ मिलते हैं, हम अपने देश के लिए बिकाऊ बनते हैं, और देश की सूचनाओं को बेचते हैं, यही वो लोग हैं जो मानसिकता से लेके कॉलेज में आज पढ़ रहे हैं, कल वो अगर जॉब में जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, यही वो लोग हैं जो एंटी इंडिया चलते हैं, यही वो लोग हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से क्या, अभी प्रिंसिपल सर से आपसे बात कल हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम करेंगे, डिसिप्लिन कमेटी ने क्या एक्शन लिया, सिर्फ हॉस्टल से रेस्टिकेट किया, कॉलेज कैंपस से निकालने की कोई बात नहीं अब तक? अभी तक उसको कॉलेज से रेस्टिकेट नहीं किया गया है, एक रिटर्न में एप्लीकेशन चली गई है, अभी हमें सुनने में अंदर से आ रहा है कि उसको रेस्टिकेट कर दिया जाएगा थोड़ी देर तक, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही है, कोई रिटर्न में कंप्लेंट या रिटर्न में एप्लीकेशन हमें नहीं दी गई है। पुलिस द्वारा क्या आश्वासन दिया गया, क्या पूछताछ की जा रही है, क्या कुछ निकल कर सामने आया? पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है, बिल्कुल हमारा सहयोग कर रहा है, 4 दिन का समय मांगा है उच्च अधिकारियों ने, उन्होंने कहा 4 दिन के अंदर अंदर कुछ ना कुछ एक्शन आपको देखने को मिलेगा, उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि ये लड़का कॉलेज से रेस्टिकेट होना चाहिए। बिल्कुल देख सकते हैं तस्वीरें, तो लगातार जो है मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, एक बार फिर से जो है ये बवाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, जिस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भारत पाकिस्तान के मैच के बाद लगाए गए, और अब आप कैंपस के अंदर की सूरत हाल देख सकते हैं, थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन, पुलिस बल तैनात है, जिस शख्स ने ये किया उसे फिलहाल हिरासत में लिया गया है, और ये कहा गया है कि उसको जो है रेस्टिगेट भी किया जाना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है अंदर की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो ये विजुअल देख सकते हैं, उच्च अधिकारी पुलिस के जो विभाग के वो मौके पर थे, यहाँ पर बच्चों के साथ बातचीत की गई है, क्योंकि बच्चे सड़क पर उतरे थे और विरोध किया गया था। अब तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ से भारी हमला जो है पुलिस का यहाँ पर तनाव था, अब यहाँ से एक एक कर जो है वो निकल रहे हैं, तस्वीरें मैं लगातार दिखा रहा हूँ, देश विरोधी गतिविधियाँ, यानी कि हमारा ऐसा पड़ोसी मुल्क जो लगातार भारत की अस्मिता पर जो है वो कहीं ना कहीं प्रहार करता है, और कहीं ना कहीं बार करता है, और आतंकवाद को फैलाने में एक बड़ी भूमिका निभाता है, पाकिस्तान की अगर बात करें तो आज जिस तरीके से कल की बात करें जहाँ पर नारे लगाए गए, और आज पुलिस कल जिस तरीके से कहा गया था कि कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई की गई, होस्टल से रेस्टिकेट कर दिया गया है, फिलहाल आइडेंटिफिकेशन जो है उसे सीक्रेटली रखा गया है, पुलिस ने हिरासत में लिया है उस शख्स को जिसने ये नारेबाजी की, और पुलिस ने ये 4 दिन का समय मांगा है और कहा है उचित कार्रवाई जो होगी वो भी की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कैंपस के अंदर की तस्वीरें, MM कॉलेज के पुलिस की जो ऑफिसर बैन है वो अंदर मौजूद है, छात्र जो है यहाँ पर एकत्रित हुए थे, और अब ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ वो एक्सप्रेस के माध्यम से, आप देख सकते हैं भारत माता की जय के साथ जो है बच्चे जो है नारेबाजी कर रहे थे, और ये तस्वीरें, और एक जम्मू की बात करें उनके युवा प्रधान जो है वो भी हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। अजय जी, जिस तरीके से आप अलग स्टेट की बात करते हैं जम्मू की, और यहीं पर लगातार आपके चीफ भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो इस मानसिकता के लोग हैं वो काफ़ी खतरा है, और इसीलिए जम्मू को अलग करना चाहिए, और इस तरीके के जम्मू के अंदर कॉलेज के अंदर पढ़ने वाला छात्र 6th सेमेस्टर का बताया जा रहा है, नाम हमने बताएंगे मीडिया के सामने, लेकिन कहीं ना कहीं कितना बड़ा थ्रेट है, स्टडी यहाँ कर रहा है, पढ़ाई यहाँ की कर रहा है, और गुणगान जो है पड़ोसी मुल्क के किए जा रहे हैं जो आतंकवाद फैलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। देखिए, आज मैं बताना चाहता हूँ आपको
सबसे पहले कि कॉलेज के युवाओं का बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, हम इनके समर्थन में आए हैं कि इन्होंने ऐसे तत्वों के खिलाफ आवाज़ उठाई है जो देश के खिलाफ नारों का समर्थन कर रहे हैं या नारे लगा रहे हैं। इन लोगों के लिए एक ही सजा है कि इन लोगों को टर्मिनेट कर दें, जिया जाना चाहिए और इनकी जो मूल सुविधाएं हैं वो भी छीन लेनी चाहिए। साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि अगर हम सेपरेट स्टेट की बात कर रहे हैं तो उसमें ये एक बहुत बड़ा फैक्टर सामने आ रहा है कि कश्मीर से जो उनकी मानसिकता है उसको यहाँ पर लाया जा रहा है, यहाँ पर भी बच्चों को भड़काया जा रहा है। जो चीज़ें पहले कश्मीर में होती थी वो चीज़ें आज यहाँ पर उत्पन्न हो रही हैं समय समय पर। तो उन चीज़ों को रोकने का जो एक कार्य है, जो वो है हक है, जो एक मतलब हमारा एक फ़र्ज़ है, वो हमारा ये है कि हमारे यहाँ के जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो ऐसे लोगों को दबा कर रखें, इनको रोकें। उसके बाद अब हमारे जो प्रिंसिपल की बात करूं तो यहां पर प्रिंसिपल की जो एक उनकी जो पोस्ट है, जो उनका एक तरीका है, वहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि प्रिंसिपल के सामने उन बच्चों को पीटा जा रहा था, वो बच्चे आपस में लड़ रहे थे, पर फिर भी प्रिंसिपल साहब के द्वारा उस वक्त भी कोई एक्शन नहीं लिया गया और बच्चों के प्रदर्शन करने के बाद कुछ ना कुछ एक्शन थोड़ा बहुत लिया जा रहा है, जिससे हम सहमत नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना हो। अगर आपने कार्रवाई नहीं कि आज इस कॉलेज में हुआ, कल साइंस कॉलेज में हो जाएगा, कल फिर बिश्नाह कॉलेज में होगा, तो इस तरह की चीजों से जम्मू का माहौल खराब हो रहा है। और जिस तरह बार भी नहीं है, दूसरी से तीसरी दफा बताया जा रहा है, कॉलेज छात्रों द्वारा यह कहा जा रहा है कि तीसरी दफा हुआ 2017-19 और अब किया गया है, यह हादसा सामने आया है। कितना बड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई भी शख्स इस तरह की कार्रवाई बात करने की सोचे तो 10 बार सोचे कि मैं करूंगा तो मेरे साथ ऐसा होगा। शुभम जी, आप मुझे बताएं कि वही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो वक्त कब आएगा जब सरकार एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसे एग्जांपल सेट करेगी, इनके मुंह पर ऐसा तमाचा मारेगी ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना हो। और ये जो डिसाइड करना है ये सरकार को करना है। हम सरकार को जता सकते हैं, सरकार के आगे अनुरोध कर सकते हैं और जब सरकार नहीं मानेगी तो हम उनके खिलाफ कड़ा प्रदर्शन, जिस तरह ये युवा आज कर रहे हैं यहाँ के, इनको समर्थन हम दे रहे हैं, ये उग्र प्रदर्शन बढ़ जाएगा, बहुत दूर तक चला जाएगा अगर सरकार ने कोई भी एक्शन के खिलाफ नहीं लिया। और एक्शन जो जेन्युइन भी बनता है, इनको टर्मिनेट किया जाए लड़के को, जो बाहरी आउटसाइडर हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर लगाई जाए और उनकी मूल सुविधाओं पर भी सोचने की जरूरत है कि कब इनकी मूल सुविधाओं जो इनके अधिकार हैं वो छीने जाए ताकि आगे ऐसी जो घटनाएं ना हो। बिल्कुल। और अजय सनी जी मेरे साथ थे लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये कैंपस की एंट्री है। एक चीज़ सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि यहां पर जो सिक्योरिटी रहती है, कितना बड़ा फेरियर मानते हैं आप इसको? और मुकेश मनास भी मेरे साथ हैं। मुकेश जी, कल भी आपसे बातचीत की गई थी कैंपस के अंदर, उसे फिलहाल जो है रेस्टिकेट किया गया हॉस्टल से, लेकिन अभी तक कॉलेज से जो है रेस्टिकेट नहीं किया गया। मांग ये की जा रही है, एक चैनल द्वारा भी इंटरव्यू उस शख्स का किया गया जिसने पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के पक्ष में जो थी नारेबाजी की थी, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ठीक है, वो मीडिया का काम है, अगर मीडिया ने किसी ने भी उसे इंटरव्यू किया है, लेकिन कभी भी कोई चोर होता है ना, वो जब चोरी करता है वो तो ये थोड़े कहता है कि मैंने चोरी की है, वो तो एक जाँच का विषय है कि क्या उसने नारे लगाए नहीं लगाए। सबसे पहली बात है कि वहाँ का छात्र, हॉस्टल के छात्रों द्वारा ये कहा जा रहा है कि नारे लगाए, और ये बातें कोई हवा हवाई नहीं है या किसी को कोई प्रोपोगंडा नहीं करा। इवन उसी छात्र द्वारा या उस समुदाय के छात्रों द्वारा बाहर से आउटसाइडरों को बुलाया जाता और हॉस्टल के स्टूडेंट को मारा गया, सबसे बड़ी बात तो ये है। इसलिए हमारा ये मानना और हमारी ये मांग है कि उस स्टूडेंट को, जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको कॉलेज से भी निकाला जाए। अगर ये सब नहीं होती है, हम 2 दिन का समय हमने ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन को दे रखा है कि 2 दिन के अंदर, विद इन 2 डेज एक समय पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा आने वाले समय के अंदर यह प्रदर्शन एक लंबे स्वरूप में लेगा। क्योंकि इस प्रकार की घटना को सभ्य समाज के अंदर और छात्र वर्ग, खासकर राष्ट्रवादी जो छात्र है, वो कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हम इसी देश के अंदर रहते हैं और इसी देश का अन्न खाते हैं और हम गुण किसी और देश के गाते हैं। लगता है कि एक अकेला शख्स इसमें इन्वॉल्व है या कि षड्यंत्र हो सकता है, बड़ी साजिश इसके पीछे हो सकती है, क्योंकि एक 6वें सेमेस्टर का छात्र है, इतने सालों से यहाँ स्टडी कर रहा है और कहीं ना कहीं अगर ये जॉब कहीं करता, अगर पढ़कर पढ़ाई पास यहाँ से होता, कहीं जॉब करता, कितना बड़ा खतरा इंटरनल जो सिक्योरिटी है भारत की जो है उसको हो सकता है। देखिए, आप हम सब लोग परिचित हैं, आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ कितने ही ऐसे लोग पाए जाते हैं, जॉब्स के अंदर अभी लोगों को निकाला जा रहा है, ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं जो इस प्रकार की घटनाओं के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, तो ग्रूमिंग उनका कहाँ से होता है? यहीं से होता है, क्योंकि हमारी मानसिकता ऐसी बनाई जाती है। इसलिए हम किसी के विरोध नहीं कर रहे हैं, ठीक है, विचार व्यक्ति का कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी के बहकावे में आ सकता है, इसलिए समय पर अगर हम किसी चीज़ को हिट कर देते हैं तो वो चीज़ें आने वाले समय के अंदर ना देश के लिए खतरा होती है, ना किसी स्टेट के लिए, ना जम्मू के लिए खतरा हो सकती है। एक चीज़ चाहूँगा, कितना बड़ा आप चाहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बताया जा रहा है, आप ही के साथियों द्वारा बताया जा रहा है कि ये पहले भी 2 बार हो चुका है, तीसरी दफा ऐसी चीज हरकत जो है वो कैंपस के अंदर हुई है,
कोई ऐसा नियम बनाया जाए जो कम से कम तमाम दीवारों पर उसे लिखा जाए, ताकि जो भी जहां से जाए पढ़े उसके जहन में ये चीज हो, अगर देश के खिलाफ जाकर कोई भी चीज जो लिमिट्स को क्रॉस किया करेगा मेरा तो जिंदगी खराब होगी होगी, मेरे अनवर जनरेशन जो है उसकी भी जिंदगी इस तरीके से, क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट होती है अगर इस तरीके की कार्रवाई होगी। बिल्कुल, एक स्पष्ट सी बात है, कोई भी व्यक्ति इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की घटना के अंदर, इस प्रकार की गतिविधि के अंदर अगर इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि वो ना वो जॉब, सरकारी नौकरी ले सके, उसकी जो पढ़ाई जहां तक हुई है उस पढ़ाई को वहीं तक रोका जाए। और क्योंकि वो सारी हमारे देश का सारा चीजें वो यूज कर रहा है, हमारी देश की, हमारी जो, हमारे जो टैक्स जो चीजें आती है, ये कैंपस हमारे टैक्स है, लोगों के टैक्स से ये बनता है, तो हमारे वो चीजों को यूज कर रहा है, और हमारे चीजों को यूज करने के बाद हमारे देश के खिलाफ जाहिर हो रहा है। इसीलिए एक स्पष्ट सी बात सरकार को भी समझना चाहिए, और मेरे को लगता है सरकार कार्रवाई भी करेगी, प्रशासन को भी समझना चाहिए, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधि के अंदर इन्वॉल्व होता है उसके खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए कि उसको कोई सरकारी नौकरी ना मिले, उसकी पढ़ाई जहां तक हुई उसकी पढ़ाई को वहीं रोका जाए, एक एग्जाम्पल सेट हो जाए, ताकि इस प्रकार की मानसिकता रखने वाला कोई भी व्यक्ति है समाज के किसी भी कोने के अंदर, किसी भी कैंपस के अंदर वो पढ़ता है, इस प्रकार की मानसिकता को ही खत्म करने का एक बहुत बड़ी बात है। और इस प्रकार की मानसिकता तभी खत्म होगी जब प्रशासन द्वारा एक एग्जाम्पलरी एक जो सेटअप किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका मुकेश जी। मेरे साथ सारी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कैंपस के अंदर की तस्वीरें, और यहाँ से अगर आप जाते हैं तो दूसरी तरफ आपको जो है वो उस कैंपस दिखाई देता है, थोड़ी ही दूर जो है वो कैंपस है, वहाँ की ये वारदात है, वो परसों का जो बड़ा हादसा था, और उसके बाद कल यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो था वो छात्रों द्वारा किया गया, यही कैंपस के अंदर जो था वो पुलिस भी पहुंची, और एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक कुछ ही कदम दूरी पर मेरे पीछे है, और वहाँ पर प्रिंसिपल से जब बातचीत की गई उन्होंने कहा था कि हाँ डिसिप्लिनरी कमेटी जो है वो एक्शन लेगी, लेकिन एक्शन जो था वो लिया गया, रेस्टिगेट उसे होस्टल कैंपस से किया गया, लेकिन बच्चों की मांग ये है कि कॉलेज से जो है उसे रेस्टिगेट किया जाना चाहिए, और उसके साथ कोई और साथी अगर उसका साथ शामिल है तो उसके ऊपर भी जो है कार्रवाई जो है की जानी चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि आउटसाइडर्स इस कैंपस के अंदर कैसे घुसते हैं, ये देखिए, यहाँ पर कोई पूछताछ, कोई कुछ नहीं है, कितना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है, कोई भी बाहर से आ सकता है, आराम से इस कॉलेज के अंदर आ सकता है, एंटर कर सकता है, क्लासेस में बैठ सकता है, कहीं भी घूम सकता है, खा सकता है, पी सकता है, घूम सकता है, आराम से मस्ती कर सकता है, और अपना काम करके वापस जा सकता है, यानी कि सिक्योरिटी। और यहाँ पर कहीं भी आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज की बात है, तो यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा जो है इंस्टॉल किया गया है सामने सीसीटीवी, और यहाँ पर दूसरा, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक जो है पुलिस ने 4 दिन का समय मांगा है, और ये कहा है कि हम जो है कार्रवाई करेंगे, लेकिन आउटसाइडर्स कौन थे, वो यहाँ से जो आए और यहीं पर जो है मारपीट जो थी बच्चों के साथ की गई, और यहाँ से जो थे वो फरार हो गए। फिलहाल पुलिस की बात करें तो पुलिस कल से ही जो है इस घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है, बाहर देख सकते हैं अभी भी टीचर बैंस जो है वो लगी गई, और हायर अथॉरिटीज की बात करें पुलिस अधिकारियों की, वो यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने बच्चों से अभी बातचीत की है, प्रदर्शन लगातार प्रदर्शन इसी मांग का, कि मांग यही है कि कहीं ना कहीं प्रदर्शन जो है और यही किया जा रहा है कि देश के खिलाफ जो नारेबाजी की गई, कम से कम इस तरीके के शख्स के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी भी पुलिस यहाँ पर तैनात है, पुलिस की तैनाती की गई है, और तमाम उन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी शरारती तत्व जो है इस माहौल को खराब ना कर सके, क्योंकि सिचुएशन पैनिक, जिस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भारत पाकिस्तान के मैच के बाद यहाँ कैंपस के अंदर, होस्टल कैंपस के अंदर लगाए गए, और अब सिक्योरिटी को देखते हुए यहाँ पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम, और अंदर जो है बच्चे आराम से स्टडी कर सके उसके माहौल, लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें उनका समर्थन में जो है इन लोगों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपके हवाले ये वीडियो में छोड़ रहा हूँ, आप लोगों को क्या लगता है अपने कमेंट बॉक्स में रखिएगा। जिस देश के अंदर रहना है, उस देश की पढ़ाई, उस देश का खाना, उस देश का पैसा कमाना है, उस देश के अंदर नौकरी भी करनी है, लेकिन गुणगान पड़ोसी मुल्क और उस मुल्क के जो देश के खिलाफ जाकर जो है वो षड्यंत्र रचता है, और ऐसे षड्यंत्र रचता है जिसमें हम अपने को खो देते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे उसने बहकावे में आके किया, चाहे उसने कैसे भी आके किया, आपको क्या लगता है अपने कमेंट बॉक्स में रखें, वीडियो जैसा शेयर करें, बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बढ़ रहे हैं बहु एक्सप्रेस पर, जरूर आके साथ शुभ लेंगे बहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।